Swayam Prabha, Digital India, Educated India.

भाषण एवं व्यक्त की स्वतंत्रता आर्टिकल उन्नीस एक का एवं इस पर निर्बंधन क्या लगाए गए हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाए गए हैं उसके विषय में बात करूंगा आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि मैंने इसको भाषण एवं अभ्यक्त की स्वतंत्रता आर्टिकल उन्नीस एक का एवं निर्बंधन तो निर्बंधन क्या है इस पर लिमिटेशन कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और एक तरफ मैंने लिखा है आर्टिकल उन्नीस एक का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दूसरी तरफ मैंने लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस तो प्रेस की फ्रीडम और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज़ादी इन दोनों के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है उच्चतम न्यायालय के क्या दृष्टिकोण हैं फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के इम्पॉर्टेंट केस ला को भी व्याख्या करेंगे इसमें जिससे कि फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एक्सप्रेशन से संबंधित समस्त कानून की व्याख्या की जा सके कवर किया जा सके तो अब आते हैं एक एक करके बात करते हैं कि संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है और यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला महत्वपूर्ण अधिकार है कोई भी व्यक्ति जो अपने बातों को जो अपनी अभिव्यक्ति को विचार को प्रकाशित करना चाहता है व्यक्त करना चाहता है उसको लोकतांत्रिक देश में यह आज़ादी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को प्रकाशित कर सके अपने विचारों को जनसंचार के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को अपने विचारों को प्रभावित करें और राज्य के द्वारा इसमें हस्तक्षेप तभी किया जा सकेगा जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों से राज्य के Uh, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भारतीय नागरिक के द्वारा बोले गए शब्दों से दिए गए भाषण से देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित होती है देश के देश को अखंडित करने का अखंडित करने का प्रयास किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की अवमानना होती है या बोले गए शब्दों से किसी की अवमानना किसी व्यक्ति की अवमान या अवमानना होती है तो ऐसी स्थितियों में जहाँ पर संविधान एक तरफ अपने नागरिकों को बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत ही राज्य को भी अधिकार दिया गया है कि राज्य नागरिक नागरिक की अभिव्यक्ति की अभ्यक्ति या की स्वतंत्रता से यदि राष्ट्र को कोई खतरा है राज्य को कोई खतरा है संवैधानिक संस्थाओं को कोई खतरा है तो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य राष्ट्र हित में कानून व्यवस्था बनाए रखने के हित में सदाचार के हित में उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है और ये देखिए देश की सर्वोच्च विधि संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी तो देती है गारंटी तो प्रदान करती है फंडामेंटल राइट है और यह इस पर अनरिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना निर्बंधन यदि गलत है संविधान के दायरे से बाहर है तो वह व्यक्ति वह पीड़ित व्यक्ति संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है या आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकता है यह कहते हुए कि उसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है उसको बोलने से मना किया जा रहा है जबकि संविधान का आर्टिकल उन्नीस से एक का उसको इस बात की गारंटी देता है अपने विचार को प्रकाशित करने का तो परंतु यह बहुत सामान्य बात है आप ये सोचें कि हम कभी हम प्राय पढ़ते हैं कि छात्रों से मैं बार बार ये कहता हूँ आपको बोलने की लिबर्टी है आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता का मतलब किसी को अपशब्द बोलना किसी की मानहानि करना किसी को गाली गलौज देना या कोई ऐसे स्टेटमेंट देना आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं भारतीय नागरिक होने के नाते परंतु यह स्वतंत्रता यदि आप यदि आपके बोलने की जो आज़ादी है स्वतंत्रता है वह यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करती है देश की संप्रभुता को प्रभावित करती है तो ऐसी स्थिति में राज्य आपके बोलने की आज़ादी पर निर्बंधन लगा सकता है और निर्ब और उसे आपको आपके द्वारा बोले गए शब्द से यदि कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है किसी जाति संप्रदाय के विरुद्ध यदि आप बात बोलते हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है तो ऐसी स्थिति में बोलने की आज़ादी पर निर्बंधन लगाते हुए आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है अरेस्ट भी किया जा सकता है तो हमें दोनों पहलुओं को ध्यान में देना है कि एक तरफ भारतीय संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक बोलने की गारंटी प्रदान करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है दूसरी तरफ संविधान में ही आर्टिकल उन्नीस दो के अंतर्गत राज्यों को अधिकार स्टेट को पावर दिया गया कि स्टेट एम्पावर्ड है आर्टिकल उन्नीस दो में प्रावधानित जो आधार हैं ग्राउंड हैं उन आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो हमें दो बातें याद रखनी है एक तो आर्टिकल उन्नीस एक के अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अभिव्यक्ति की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी तरफ राज्य को दिया गया पावर कि किन आधारों पर राज्य के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं अंकुश लगाए जा सकते हैं वो आर्टिकल उन्नीस दो के अंतर्गत दिया गया है तो ये दो हमको बात ध्यान में रखते हुए अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता को क्यों आर्टिकल उन्नीस से एक में रखा गया तो मैं ये आपको बता दूँ कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के द्वारा जो प्रेस है मीडिया है वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता आप लोगतंत्र का, लोगतंत्र का है आप सभी जानते होंगे लोकतंत्र का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया प्रेस जिसके माध्यम से समय समय पर प्रेस और मीडिया लोगों को जनमानस को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और नागरिक अधिकारों के विषय में भी मीडिया प्रेस समय समय पर नागरिक अधिकारों को बताने का प्रयास करते हैं जन जागरूकता के माध्यम से या प्रेस की स्वतंत्रता से हम जन जागरूकता अधिकारों के प्रति या किसी भी सरकार की स्कीम के प्रति लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रेस लोगों को जागरूक करता रहता है इसलिए प्रेस को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए मीडिया को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाए इसलिए प्रेस को भी लिबर्टी है वह चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की जब बात करते हैं तो हम उसमें टेलीविज़न की बात करते हैं हम किसी आज की डेट में जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं फेसबुक है, है व्हाट्सएप है ये जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लिबर्टी के अंतर्गत आएंगे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम ये बात करें जो अखबार हैं जो समाचार न्यूज़पेपर हैं वे सारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जितने भी अखबार मालिक हैं संपादक हैं एडिटर हैं समाचार पत्र के वे संपादक उस समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया कि सरकार की नीतियों का आलोचना करना यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है सरकार की यदि नीतियाँ गलत हैं तो आलोचना करना और गलत को गलत कहना यह स्वतंत्रता है परंतु सरकार की सभी सही नीतियों की आलोचना करना इससे मानहानि मानी जाएगी इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि कोई लोक कल्याणकारी नीति सरकार बना रही है लोक कल्याण के लिए नीति बना रही है तो उसको गलत आधारों पर आलोचना करना वह अपराध माना जाएगा उसमें सरकार कार्रवाई कर सकती है राज्य के द्वारा एक्शन लिए जा सकते हैं तो जहाँ पर हम नागरिक अधिकारों को संविधान एक बार देश की सर्वोच्च विधि संविधान नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को अभिव्यक्त की आज़ादी देती है वहीं पर नागरिकों को कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है कि दे आर नॉट फ्री टू स्पीक एनी थिंग वाट वॉट एवर दे वांट वे वही बोल सकते हैं जो संविधान सम्मत है विधि सम्मत है इस बात को ध्यान में रखते हुए अब ये देखना है कि जब हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम और पब्लिक इंटरेस्ट में क्लैश होता है हमारी व्यक्तिगत आज़ादी में हमारी व्यक्तिगत लिबर्टी अगर किसी लोगों के अधिकार को प्रभावित करती है सोशल सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रभावित करती है तो निश्चित रूप से यह राज्य आगे आएगा स्टेट विल कम फॉरवर्ड स्टेट उसमें हस्तक्षेप करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द से जहाँ पर समाज में खतरा समाज के लिए वह लोक व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है वहां पर बोलने की आज़ादी पर निर्बंधन अंकुश लगाया जाना यह समाज भी उचित ठहराता है कानून भी उसको उचित ठहराता है संविधान भी उसको जायज ठहराता है उचित ठहराता है अब आते हैं इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है प्रेस को लिबर्टी है अपने विचारों को अभ्यक्त करने का अब उसको एक एक करके व्याख्या करेंगे कि ये कैसे एक केस मैंने इसमें लिखा है जैसे मतदाता का सूचना का अधिकार वोटर्स जो है वोटर्स राइट टू तो इंफॉर्मेशन एवरी वोटर हैज राइट टू तो नो अबाउट हिज कैंडिडेट टू तो होम ही इज गोइंग टू कास्ट हिज वोट प्रत्येक मतदाता को अधिकार है कि जिस उम्मीदवार को अपना वो मतदान देने जा रहा है उसके विषय में जानने का अधिकार है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आर्टिकल उन्नीस एक को के अंतर्गत जोड़ा है आप इसको मैंने केस में देखा स्क्रीन पर देखें एक केस है ए एफ डी आर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हम जिसको संक्षेप में ए बोलते हैं मैं इसी स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ ये एन है एक एन जी को बोलते हैं गैर सरकारी संस्था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ए अब एक इस ए के द्वारा एक वर्ष 2002 में केस फाइल किया गया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए 2004 सुप्रीम कोर्ट इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णित किया गया उसको मैंने दूसरे साइड में लिखा हुआ है कि प्रत्येक मतदाता का यह मौलिक अधिकार है कि देखें प्रत्येक मतदाता का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने उम्मीदवार के विषय में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले शैक्षणिक योग्यता आपराधिक पृष्ठभूमि और उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सके कैसे इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ने का प्रयास किया देखिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब कोई व्यक्ति अपने उम्मीदवार का चुनाव करता है मतदाता जब किसी भी कैंडिडेट को वोट देने जाता है तो उस कैंडिडेट को उस प्रतिनिधि को रिप्रेजेंटेटिव को जिसको वह वोट देने जाता है उसके मस्तिष्क में वोट देने के पहले कुछ उस पर विचार उत्पन्न होते हैं कि जिस उम्मीदवार को मैं मतदान देने जा रहा हूँ इसकी कुछ अच्छाइयाँ उसके मस्तिष्क में आती हैं वह विचार के साथ उसको वोट करता है तो चूँकि जब मतदान करता है कोई व्यक्ति तो मतदाता अपने विचार को एक्सप्रेस करता है अपने जो ओपिनियन है उसकी अपनी उसकी राय है उसको एक्सप्रेस करता है तो जो एक्सप्रेशन द वे विच वोटर हैज टू तो एक्सप्रेस हिज तो आइडिया और व्यू बाई कास्टिंग हिज वोट जिस मतदान के द्वारा कोई मतदाता अपने विचार को अभिव्यक्त करता है तो वह भी उसके एक विचार हैं जो मतदान के माध्यम से वह अभिव्यक्त करता है इसलिए यह आवश्यक है मतदाता को जानना कि जिस प्रतिनिधि को वह मतदान देने जा रहा है वह प्रतिनिधि शैक्षणिक योग्यता क्या है उसकी उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है वह अपराधी है या सही व्यक्ति है या उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी क्या है यह तीन सूचना यदि प्राप्त कर लेगा तो कोई भी मतदाता एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा बेस्ट कैंडिडेट को वह मतदान करके आएगा इसलिए यह जो वोटर्स रा, राइट है मतलब मतदाताओं का जो अधिकार है वह अपने कैंडिडेट के विषय में तीनों सूचनाओं का जानने का अधिकार यह उसका मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है और यह फंडामेंटल राइट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग कैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जानकारियों के माध्यम से यदि वो अपने कैंडिडेट के शैक्षणिक और आपराधिक पृष्ठभूमि के विषय में सूचना प्राप्त कर मतदान करता है तो वह अपने विचार को अभिव्यक्त करता है मतदान के माध्यम से इसलिए प्रत्येक मतदाता का यह फंडामेंटल राइट है उन्नीस से के अंतर्गत कि वह अपने कैंडिडेट के विषय में जानकारी रखे और सरकार की भी जवाबदेही है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो भी व्यक्ति जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके लिए कानून बनाया जाए कि वह प्रत्येक कैंडिडेट जो ग्राम प्रधान से लेकर के संसद सदस्य का निर्वाचन चुनाव लड़ने जा रहा है वह अपने चुनावी घोषणा पत्र में तीन चीज़ों के विषय में अवश्य उल्लेख करेगा अब यह केस आप देखें संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक कौ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है चुनाव सुधार वाले में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यह केस इस केस ने आ, कितना भारतीय चुनाव में शुचता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह योगदान महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के माध्यम से पूरे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के लिए पूरे चुनाव सुधार के लिए एक निर्णय या निर्णय मिल का पत्थर साबित हुआ तो तीन बातें याद रखेंगे इसमें शैक्षणिक योग्यता आपराधिक पृष्ठभूमि आर्थिक स्थिति प्रत्येक वोटर का यह फंडामेंटल राइट है और कैसे है मैंने आपको बताने का प्रयास किया अब आते हैं अगले स्लाइड पर देखें मैंने लिखा फोन टेपिंग फोन टेप करना अब इसको मैंने कई फोर हेड्स में डिवाइड किया है पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पी यू सी एल वसीमियन ऑफ इंडिया आई आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट दूसरा है आर्टिकल 21 में प्रत्याभूत राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन राइट टू प्राइवेसी मतलब हो गया यहां पे एकांतता का अधिकार निजता के अधिकार का, का उल्लंघन है फोन टेप करना और इसमें मैंने एक लिखा है राष्ट्रध्वज फहराना राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराना आर्टिकल उन्नीस एक कौ के अधीन मूल अधिकार है इस केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत संघ वसे नवीन जिंदल ए आई आर टू थाउजेंड फोर की केस में कहा है यह राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है तो अब इसको एक एक करके देखते हैं कि फोन टेपिंग को लेकर के कैसे राइट टू प्रेवेसी का उल्लंघन माना गया अब मैंने जैसा कि बताया संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया व्यक्त की स्वतंत्रता दी गई है प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है तो यदि वह फोन से बात करता है किसी मोबाइल से अपना बात करता है यदि उसकी बातों को टेप किया जाए किसी प्राधिकारी के द्वारा अथॉरिटी के द्वारा तो उसकी अभिव्यक्ति की नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राधिकारी के द्वारा फ़ोन का टेप किया जाना राष्ट्रहित में या राज्य हित में क्या आवश्यक है इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पी यू सी एल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर नाइनटीन नाइन्टी सेवन के केस में बोला जिसको मैंने सर्किल में लगाया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बोलने की आज़ादी अपने व्यक्त करने की आज़ादी रखता है कोई भी व्यक्ति फ़ोन से बात करता है या उसकी उसका राइट है फंडामेंटल राइट है वह कहीं उससे बात करे परंतु जो फोन टेप किया जाना यह नागरिक के प्रीवेसी एकांता के अधिकार का उल्लंघन है उसके निजता का उल्लंघन है वह फ़ोन पे क्या बात कर रहा है परिवार में किससे बात कर रहा है इसको टेप नहीं किया जा सकता रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है प्रथम दृष्टिया फोन टेपिंग जो है दैट इज वायोलेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा परंतु अपवादिक परिस्थितियों में किसी ऐसे व्यक्ति के फोन को टेप किया जा सकता है जो किसी अपराध में सस्पेक्ट है जो किसी अपराध में वांछित है उन व्यक्तियों के फोन को सर्विलांस पे रखना यह पुलिस का कानून के अंतर्गत दिया गया पुलिस को अधिकार है पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति के फोन को सर्विलांस पर रख सकती है और उसके बातों को रिकॉर्ड कर सकती है जिस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में कहीं पर भी कोई एफ दर्ज है और वह किसी मामले में वांछित है तो पुलिस अधिकारी को यह पावर दिया गया है कानून के अंतर्गत कि सर्विलांस पर रखते हुए उसके नंबर को ट्रेस करे कहाँ कहाँ बातें हो रही हैं किससे किससे बातें हो रही हैं वहाँ पर वह अभियुक्त भारतीय संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक का क्लेम नहीं कर सकता प्रोटेक्शन संरक्षण का दावा नहीं कर सकता कि यह उसके बोलने की आज़ादी उसके अभ्यक्त की स्वतंत्रता पर राज्य के द्वारा लगाया गया असंवैधानिक अवैध रिस्ट्रिक्शन है ऐसा नहीं प्राय आप देखते होंगे कि पुलिस किसी भी ऐसे अभियुक्त को मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रख देती है वह जहाँ जहाँ उसकी बात होती है उसके आधार पर वह अपराध के तह तक पहुँचने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाता है लेकिन साधारण व्यक्ति के फोन को टेप करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि निजता राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार का उल्लंघन है तो दोनों को ध्यान में रखते हुए और एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि किसी भी व्यक्ति के फोन को रिकॉर्ड टेप करने के लिए आवश्यक है कि उस राज्य के गृह सचिव की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो किसी राज्य के गृह सचिव की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात यदि फोन टेप किया जाता है तो यह संविधान यह व्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा और चूंकि किसी भी राज्य का गृह सचिव या पुलिस जिले का पुलिस अधिकारी अगर सहमति देता है फ़ोन टेप करने का तो वह निश्चित वह कोजेंट रीजन होता है यदि आप डिसीजन ले रहे हैं फोन टेप करने का तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि किस आधार पर हम किसी व्यक्ति के फ़ोन टेप करने को अलाउ किए हैं और वह कारण देना होगा जिसके कि वह व्यक्ति अगर अपील में जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाए तो वहाँ ये बताया जा सके पुलिस भी अपने कार्य को जस्टिफाई कर सके कि मुझको ऐसी सूचना मिली थी किया किसी अपराध में वांछित है इसलिए मैंने इनके फोन को टेप करने का प्रयास किया है अन्यथा नियमतः किसी भी व्यक्ति के फोन को टेप किया जाना आर्टिकल इक्कीस में प्रत्याभूत राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन माना जाएगा जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा और, और किसी आर्टिकल ट्वेंटी वन भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस किसी भी व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने की गारंटी प्रदान करता है और मानव गरिमा के साथ जीने के लिए सभी आवश्यक कंपोनेंट जो आवश्यक हैं वह संविधान के आर्टिकल इक्कीस ट्वेंटी के अंतर्गत उपलब्ध होंगे उसके अंतर्गत किया गया हस्तक्षेप फोन टेप करना यह निजता का उल्लंघन आर्टिक आर्टिकल इक्कीस का उल्लंघन माना जाएगा अब आते हैं राष्ट्रध्वज फहराना मैंने इसको सर्कल किया है एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसे आया जिसमें नवीन जिंदल नाम के व्यक्ति ने एक लड़ाई लड़ी कि इन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने घर पर और अपने गाड़ी में अपने कार में राष्ट्रीय तिरंगे को लगा सकें और राष्ट्रीय तिरंगे का झंडे का फहराना यह नागरिकों के अभिव्यक्ति का माध्यम है चूँकि संविधान की आर्टिकल इसमें प्रत्यर्थी नवीन जिंदल के द्वारा उच्चतम न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया गया इनकी तरफ से प्ली ली गई कि संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की गारंटी प्रदान करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है तो नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति जो उसका प्रेम है उसका जो समर्पण है जो उसका लगाव है वह भी तिरंगे झंडे को अपने घर या अपने ऑफिस या अपने कार में यदि वह लगाता है तो वह अपने उस झंडे के प्रति अपनी विचार को अभव्यक्त करता है और चूंकि संविधान अभिव्यक्ति की गारंटी प्रदान करती है स्वतंत्रता प्रदान करती है तो राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और किसी भी व्यक्ति के घर से या कार से या जहाँ पर भी वो तिरंगा लहराना फहराना चाहता है उसको रोकना यह उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कार्यालय अपने ऑफिस अपने आवास अपने कार में भारतीय तिरंगे झंडे को फहरा सकता है और यह झंडा तिरंगे झंडे का फहराना यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न भाग है और संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक के का एक अभिन्न पार्ट है एक उसका हिस्सा है इस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ एक निर्बंधन लगाया कि तिरंगे का सम्मान करना यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है जहां पर हम अधिकार की बात करते हैं अधिकार के साथ साथ नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी हैं जहाँ पर हम तिरंगे झंडे को फहराने की मांग करते हैं यह व्यक्ति का माध्यम है यह हमारा राइट है क्लेम अधिकार है परंतु साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा दायित्व बोध करने के लिए कि नागरिकों का संवैधानिक दायित्व है कि वह झंडे तिरंगे के प्रति सम्मान जिसके लिए हमारे आ, हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे मनीषियों ने देश की आज़ादी के लिए जिस झंडे के तले जिस राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के तले हमने लड़ाई लड़ी है और देश को आज़ाद कराया है हम उस झंडे के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें हम उस झंडे को अपने ऑफिस कार्यालय या घर पर लगाएँ परंतु यदि उसका अपमान किया जाता है यदि झंडे को कहीं गिराया जाता है उसका अपमान किया जाता है तो वह व्यक्ति उतना ही दोषी माना जाएगा उसके खिलाफ़ आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है तो यह भी कानून में प्रावधान है कि तिरंगे झंडे का अपमान करना उसको उसके प्रति उसको फाड़ना उसके प्रति अपमान करना यह अपराध माना जाएगा और उस किसी भी उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है तो हम स्वतंत्रता और अधिकार और ड्यूटी दोनों की बात साथ साथ करेंगे देखते हुए अब आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता पर इस लाइड के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि प्रेस की जो फ्रीडम है वो आर्टिकल उन्नीस सौ एक के अंतर्गत कैसे सम्मिलित है देखिए संविधान निर्माताओं के द्वारा जब संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जा रही थी तो प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल उन्नीस से कौ के अंतर्गत उस समय तो नहीं रखा गया परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक निर्वचन के माध्यम से प्रेस को भी माना गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है प्रेस को भी ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वह अपने विचारों को लोगों तक संप्रेषित करे प्रेस भी जन विचार को जनता तक पहुंचाने का संप्रेषण का एक माध्यम है इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक कौ के, के अंतर्गत प्रत्याभूत महत्वपूर्ण अधिकार है तो हम प्रेस की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल उन्नीस एक क के, के अंतर्गत मानते हैं स्लाइड पर देखें तीन इंपॉर्टेंट केस मैंने बताया है पहला केस है इसमें ब्रजभूषण बनाम दिल्ली प्रशासन दूसरा है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज और तीसरा है प्रभु दत्त बनाम भारत संघ ए आई सुप्रीम कोर्ट अब इसमें केस ब्रजभूषण नाम दिल्ली प्रशासन ए आई आर नाइनटीन फिफ्टी देखें उन्नीस सौ पचास ठीक संविधान लागू होने के समय का ही केस है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया उन्नीस सौ पचास केस अब जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाचार पत्र के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए या प्रकाशन के पहले यह उस पर निर्बंधन लगाया जाए या प्री सेंसरशिप लगा दी जाए कि समाचार प्रकाशित तभी होंगे जब सरकार के द्वारा उसकी काट छाँट कर दी जाए सरकार को या सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी को दिखाने के पश्चात ही वो अखबार सर्कुलेशन में आए तो इस प्रकार के निर्बंधन अनरिजनेबल माने जाएंगे और यह आयु अनरिजनेबल होंगे संविधान के आर्टिकल उन्नीस दो के अंतर्गत और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक प्रकार से लगाया गया अनरीजनेबल युक्त निर्बंधन है एक केस मैंने इसमें लिखा है प्रभुदत्त बनाम भारत संघ या 1982 सुप्रीम कोर्ट अब इसमें कहा गया कि जो राइट टू नो है आ, यह प्रेस को भी जानने का अधिकार है किसी भी आ, कैदी से जो जेल में बंद कैदी है उसका साक्षात्कार लेने का उसका इंटरव्यू लेने का अधिकार है और जो कैदी जेल में बंद है उसको भी अपने विचार को व्यक्त करने की आज़ादी है वह भी अपनी जेल में हो रही घटनाओं को बताने के लिए स्वतंत्र है जेल में उसके प्रति अच्छे व्यवहार हो रहे हैं गलत व्यवहार हो रहे हैं वह व्यक्ति यदि बताता है तो जेल के अंदर जो बातें हो रही हैं वह भी मीडिया तक समाचार पत्र तक आएंगे तो इसलिए किसी कैदी से इंटरव्यू लेना साक्षात्कार लेने के लिए जेल अधीक्षक के द्वारा मना करना यह प्रेस और मीडिया के राइट का उल्लंघन माना जाएगा और वह जो कैदी है जो अपनी अंदर की बातों को बताने का प्रयास कर रहा है या ऐसा कैदी जिसने कोई अपने ऊपर आत्मकथा लिखा है या कोई जेल से पुस्तक प्रकाशित किया है उस पुस्तक को प्रकाशित करने से रोकना भी एक प्रकार से अभ्यक्ति की स्वतंत्रता पर अयुक्तिक निर्बंधन है गलत निर्बंधन है ऐसा नहीं किया जा सकता है तो प्रभुदत्त बनाम भारत संघ ए आई के केस को इसमें ध्यान में रखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता पर यह भी तीन महत्वपूर्ण लीडिंग केस हैं अब इसमें मैंने प्रेस की स्वतंत्रता पर अगला एक स्लाइड बनाया है उसमें लिखा है प्री सेंसरशिप और पोस्ट सेंसरशिप बीच में लिखा है टेलीविज़न पर पूर्व अवरोध संवैधानिक है जो प्री सेंसरशिप ऑन टेलीविज़न है वह संवैधानिक है इसमें मैंने केस लिखने का बताने का प्रयास किया है एक देखें ऊपर लिखा हुआ के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी दूसरा केस इसमें मैंने लिखा हुआ है बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हुन 1996 नाइनटी सिक्स ये बैंडिट क्वीन के नाम से भी आ, फेमस केस है आप इसको इसको इस केस को जानते होंगे अब प्रश्न है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है इस पर क्या स्टेट के द्वारा फिर प्री सेंसरशिप लगाया जा सकता है पहले ही ऐसा कोई निर्बंधन लगाया जा सकता है कि कोई भी चलचित्र कोई भी सिनेमा कहें तो कोई भी फिल्म जनता तक पहुंचाने प्रकाशित करने से पहले सरकार की संस्था या सरकार को दिखाना आवश्यक होगा और क्या अगर सरकार ऐसा कोई नियम बनाए जिसमें प्रावधान कर दिया गया हो कि कोई भी सिनेमा कोई भी मूवी वह चलचित्र के माध्यम से टेलीविज़न के माध्यम से तभी दिखाई जाएगी जब सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया जाए कि यह दिखाने योग्य है क्या इस प्रकार की बाध्यता करना ये व्यक्ति की अभ्यक्ति व्यक्ति के नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन है यदि मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ मैं कोई फिल्म बनाता हूँ तो मुझे मुझे फिल्म प्रोड्यूस करने का राइट है फंडामेंटल राइट व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच है अभ्यक्ति की स्वतंत्रता भी मेरा मौलिक अधिकार है मैंने अप, मैं अपने विचारों को उस पिक्चर के माध्यम से अभ्यक्त करूँ मूवी के माध्यम से बताऊँ लेकिन क्या मेरे ऊपर एक शर्त लगाई जा सकती है कि मैं वह मूवी तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि सरकार से मैं अनुमति न ले लूँ लाइसेंस न ले लूँ और यह जो लाइसेंस है अनुमति लेना ये क्या यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहले प्री सेंसरशिप है पहले ही अवरोध लगाया गया प्रत पहले ही अवरोध है इससे अब की स्वतंत्रता मेरी प्रभावित हो रही है इस विषय से संबंधित मामला उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण केस के रूप में बॉबी आर्ट इंटरनेशनल केस ओम ओमपाल सिंह 1996 सी के, के केस में इसको हम पॉपुलर दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज बैंडेड क्वीन सभी लोग जानते होंगे यह मूवी अब सभी छात्र अवगत होंगे यह मूवी जो बनी थी यह एक बैंडिट क्वीन फूलन देवी थी दस्यु सुंदरी उनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी जिस मूवी के कुछ पार्ट जिस फिल्म के कुछ पार्ट जो है वह इनडेसेंट लग रहे थे और अश्लीला अश्लीलता के आधार पर उस मूवी को दिखाने से मना किया गया कि उस मूवी में उस बैंडिट क्वीन के साथ फुलन देवी के साथ जो है एक जात विशेष के द्वारा उनके ऊपर मतलब हमला किया गया और उनको उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया यह जो मूवी बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है यह मूवी बना करके समाज में एक प्रकार से बैमनषता घृणा पैदा करना चाहता है और इस मूवी को रोक दिया जाए एक प्रकार से ये केस मामला ये न्यायालय के समक्ष आया दूसरा ये था कि क्या इस प्रकार के निर्बंधन के लिए सरकार कोई एक बॉडी बना सकती है कोई एक एजेंसी बना सकती है जिससे प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया जाए और यह प्री सेंसरशिप होगा जो प्री सेंसरशिप है वो अवैध होना चाहिए ऐसा ऐसी मांग की गई तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था एजेंसी है जिसको हम सेंसर बोर्ड बोलते हैं फिल्म प्रमाणन बोर्ड बोलते हैं प्रत्येक फिल्म में आप देखते होंगे फिल्म जब स्टार्ट होती है तो उसके पहले ही लिखा रहता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसके द्वारा वह लाइसेंस प्रमाण पत्र निर्गर किया जाता है कि ये पिक्चर जो है दिखाने योग्य है तो मूवी जो होती थी पिक्चरें जो होती थी वो दो प्रकार के मूवी के रूप में यह सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता था एक मूवी थी ओनली फॉर एडल्ट ये सर्टिफिकेट लेकर के एडल्ट के लिए वो मूवी दिखाई जाती थी 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को व्यक्तियों को देखने के लिए वो मूवी सेंसर बोर्ड अलाउ नहीं करता था न तो दिखाने के लिए और एक यूथ रहता था ये सर्टिफिकेट यू सर्टिफिकेट ये सेंसर बोर्ड देती है ऐसी मूवी जो सभी को दिखाई जा सके परिवार के साथ देखी जा सके और ऐसी मूवी जो केवल और केवल वयस्क व्यक्तियों को दिखाई जा सके ऐसा करना ये सरकार कर सकती है और इससे अब व्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई कोई इस पर निर्बंधन नहीं है कोई रोक उस पर कोई रोक नहीं मानी जाएगी और सेंसर बोर्ड के द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा यदि ऐसी कैंची लगाई जाए उसको काट छाँट किया जाए ऐसी मूवी को छांट काट किया जाए किसी भी फिल्म को दिखाने से पहले इस फिल्म बोर्ड को सेंसर बोर्ड से मान्यता लेना लाइसेंस लेना अनुज्ञप्ति लेना और स्वाभाविक है लाजमी है कि जो सेंसर बोर्ड होगा वह मूवी के उसी पार्ट को कट करेगा जो मूवी दिखाने से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या समाज में कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकता है या समाज में वर्ग क्लैस, क्लास, क्लास क्लास, वर्ग विशेष में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो उस पार्ट को सेंसर बोर्ड काट करके अन्य सभी को दिखाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है ये कानून में प्रावधान है और एक सिनेमा सिने सिनेमाटोग्राफ एक्ट है नाइनटीन का उन्नीस का जिसमें प्रावधान भी किया गया है कि कोई भी सिनेमा मूवी दिखाना ये तभी दिखाई जाएगी जब सरकार की पूर्वन्मति प्राप्त कर ली गई हो क्योंकि दिखाने के बाद जो है उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा फिर उसमें राज्य उसको नहीं रोक पाएगी इसलिए पहले ही हम देख लें पहले स्टेट की एजेंसी देख लें सेंसर बोर्ड देख लें मूवी को कि इसमें क्या क्या हम आप क्या दिखाने जा रहे हैं अगर कोई आपत्तिजनक उसमें कोई पार्ट है कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है तो सेंसर बोर्ड उसको काट करके तभी देखने का और आप दिखाएँ आप अपने अभ्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्लेम करें ये आपका फंडामेंटल राइट right है लेकिन उस पर हम कुछ निर्बंधन लगाएंगे स्टेट कुछ निर्बंधन लगाएगी वह निर्बंधन इसलिए बनाएगी लगाएगी ताकि जो है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए सेंसर बोर्ड प्रायः आप देखते होंगे चलचित्र पर मूवीज़ पर सिनेमा पर प्री सेंसरशिप लगाती है इसलिए प्री सेंसरशिप वैध है तो इस बैंडेड क्वीन के मामले में क्या हुआ कि तथ्य को मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा कि दशि सुंदरी को इस फूलन देवी को इस पिक्चर के माध्यम से जब दिखाने का प्रयास किया गया तो उसमें एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के द्वारा किया कहा गया कि इस मूवी के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक वर्ग विशेष जो है इसी प्रकार के इस महिलाओं स्त्रियों के प्रति हिंसा करने के लिए जाना जाता है जबकि ऐसा नहीं है इससे समाज में बैमनस्ता उत्पन्न होगी और इस पिक्चर को रोक दिया जाए तो चूँकि फिल्म निदेशक जो संस्था थी बॉबी आर्ट इंटरनेशनल के द्वारा ये न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि हमने सेंसर बोर्ड को इस मूवी को दिया था सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पहले देखा और सेंसर बोर्ड ने मूवी को देखने के पश्चात मुझे प्रमाण पत्र दिया और उस प्रमाण पत्र को लेकर के मैंने इसको पिक्चर दिखाया है इसलिए मैंने सभी वैधानिक शर्तों का पालन किया है अतः इससे किसी भी व्यक्ति के किसी भी वर्ग विशेष के नुकसान पहुंचाने का फिल्म निर्माता का आशय उद्देश्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चलचित्र पर जो सेंसरशिप है पहली बात वो तो संवैधानिक है दूसरी बात कि जहाँ पर सेंसर बोर्ड के द्वारा ऐसे मूवी uh, सिनेमा के ऑब्जेक्शनेबल uh, पार्ट को कट कर दिया जाता है काट दिया जाता है यह समाज में सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है और यह संवैधानिक है इसलिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो प्रमाण पत्र देती है फिल्म निर्गत होने से पहले वह संवैधानिक है और फिल्म किसी भी फिल्म पर पहले लगाया गया निर्बंधन जो है वह अैध माना जाएगा संवैधानिक है तो एक बात ये क्लियर हो गई कि जो टेलीविज़न पर प्री सेंसरशिप है वैध है वैध माना जाएगा ये आवश्यक है क्योंकि एक बार जो मूवी समाज में अगर दिखा दी गई तो इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है इसलिए आवश्यक है कि बुरे प्रभाव से रोकने के लिए सामाजिक क्लैश को रोकने के लिए समाज में लॉ एंड ऑर्डर बनाने कानून व्यवस्था बनी रहे इसको सुनिश्चित करने के लिए मूवीज़ को सिनेमा को पहले ही सरकार काट छाट करके ही उसको भेजने का प्रयास करे इस केस के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है अब इस स्लाइड के माध्यम से देखें केस मैंने बताने का प्रयास किया है हमदर्द दवाखाना वर्सेस भारत संघ ए 1995 नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट इसमें एक कंपोनेंट जुड़ा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट विज्ञापन भाषण व्यक्ति का ही एक रूप है विज्ञापन जितने हमारे कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी टेलीविजन पर वह भी एक प्रकार से अभ्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है हम उस जो प्रोड्यूसर है जो निर्माता है किसी वस्तु का अगर वह वाणिज्यिक विज्ञापन करता है तो वह भी अपने विचार को अव्यक्त करता है उस विज्ञापन के माध्यम से दो कंपनियाँ एक हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ इसमें आप देखें कि हमदर्दवाखाना सभी छात्र इसके इसको जानते होंगे और ये बहुत वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट कंपनी है हमदर्द दवाखाना वैसे वास्तव में इसका मुख्यालय पाकिस्तान हो गया है हमदर्द दवाखाना प्रायः अपने कुछ उत्पादों के लिए बहुत प्रख्यात है प्रसिद्ध है आज भी प्रसिद्ध है उसका रुआवज़ा भी आता है और ये पूरे देश में अभी बिकता है रुआवज़ा हमदर्द दवाखाना का कुछ उसके मेडिकल उत्पाद हैं हमदर्द दवाखाना ने एक विज्ञापन निकाला उस विज्ञापन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया था कि जो उस दवा का सेवन करेगा उस दवा के सेवन से एक निश्चित समय के भीतर अगर वह नहीं ठीक होता है तो यह कंपनी उसके लिए भरपाई करेगी तो इस प्रकार के विज्ञापन एक दौर चल रहा था आप देखें वर्ष उन्नीस और ये बहुत पहले की बात है कि अब आप देखें एक दौर था भारत में जो जादू टोने के माध्यम से बीमारियों का इलाज करने की बात परंपरा चली थी तो भारतीय संसद ने एक कानून बना दिया कि जो कोई कंपनी यह दावा करती है कि मैं चमत्कारिक रूप से यह बीमारी ठीक कर दूंगा मेरे दवा के सेवन से अपने उत्पाद को अपने उत्पाद की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए चमत्कारिक रूप से इलाज करने का दावा करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी तो इसलिए कानून संसद ने बनाया था और संसद के उस कानून को इस हमदर्द दवाखाना ने इस आधार पर चैलेंज चुनौती दिया कि उससे इस कंपनी की वाणिज्यिक स्वतंत्रता जो है जो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है जो संविधान के आर्टिकल उन्नीस से इक्का का भाग है वह प्रभावित हो रहा है अतः इसे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉमर्शियल एडवर्ट विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम है परंतु कोई भी कंपनी ऐसे उत्पाद को जो भ्रामक हैं भ्रम में डाल करके चमत्कारिक रूप से इलाज करने का दावा करती है यह भ्रामक विज्ञापन उस पर स्टेट कंट्रोल लगा सकता है राज्य निर्बंधन लगा सकता है एक तो एक केस है दूसरा केस है इसमें देखें मैंने लिखा हुआ है भरत कुमार सी वर्सेस भरत कुमार अब यह केस सुप्रीम कोर्ट के समझ आया कि जो बंद का आयोजन है अगर कोई भी राजनीतिक दल बलपूर्वक कहीं बंद का आयोजन करती है और किसी भी प्रदेश में धरना प्रदर्शन करके बंद कराने का प्रयास देखते हैं कि आज पूरा प्रदेश बंद करने का आयोजन राजनीतिक दल के द्वारा प्रायः पहले किया जाता था कि पूरे प्रदेश में तालाबंदी होगी पूरे प्रदेश को हम बंद करेंगे इस प्रकार के प्रयास कुत्सित प्रयास पहले राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते थे सी पी आई एम एम के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक मैंने लिखा है इसमें सी पी आई एम वसेष भरत कुमार इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक प्रकार से बंद किया गया बंद का आयोजन किया गया और कहा गया कि बंद के माध्यम से भी हम अपने यह पोलिटिकल पार्टी अपने अभिव्यक्त को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वतंत्रता को प्रस्तुत कर रही है कि हम बंद के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के प्रति अपनी अभ्यक्ति अपनी अपने विचारों को अव्यक्त कर रहे हैं इसलिए यह अधिकार संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक के, के अंतर्गत मौलिक अधिकार है उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय किया कि जो बंद का आयोजन है यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है अभिव्यक्त की आज़ादी विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम वहाँ तक नहीं स्वतंत्रता दे सकते बढ़ा सकते कि जहाँ पर नागरिक अथवा नागरिकों का समूह सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश के व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए विवश कर दे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाए जिससे न केवल आर्थिक नुकसान होगा बल्कि आवागमन और जनमानस साधारण जनमानस को भी ऐसे बंद आयोजन के दौरान परेशानियाँ होती हैं तो सा जनमानस को भी साधारणतः परेशानियाँ होती हैं आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो जाती हैं इसलिए हम बंद के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद के आयोजन को हम असंवैधानिक घोषित करते हैं और किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को या राजनीतिक दल को अभ्यक्ति की स्वतंत्रता को के अंतर्गत इस सीमा तक हम नहीं बढ़ा सकते कि वह प्रदेश में बंद का आयोजन करे प्रदेश को बंद कराए या जिले स्तर पर बंद का आयोजन करे यह असंवैधानिक होगा और जिस भी पार्टी के द्वारा किया जाएगा जितना नुकसान होगा अगर यह कर दिया जाए कि वह पॉलिटिकल पार्टी उतनी भरपाई करेगी तो शायद ये बंद के आयोजन बंद हो जाएंगे और आप देखे होंगे इस निर्णय के पश्चात अब प्रदेश बंद या भारत बंद जैसे नारे या प्रयास अब नहीं किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जिस भी राजनीतिक दल के द्वारा किसी भी राज्य को स्टेट को बंद करने का आह्वान किया जाएगा उसी राजनीतिक दल से उतनी वसूली किया जाए पैसा लिया जाए आर्थिक नुकसान जितना हो रहा है उतना उन्हीं से लिया जाए अगर ऐसा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये देखें ये ये ऐसे निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय होंगे कि बंद जो होगा वह बंद करने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो अभी हो गया हड़ताल है स्ट्राइक है बंद है ये असंवैधानिक हैं समसंघ बनाने का अपनी मांगों को सम्मेलन करने का फंडामेंटल राइट उन्नीस एक ख के अंतर्गत आप सभी जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपनी लोकतांत्रिक मांगों को अहिंसक रूप से हिंसा रहित अहिंसक आंदोलन कर सकता है अहिंसक मांग करने के लिए कहीं धरना कर सकता है प्रदर्शन कर सकता है यह आर्टिकल उन्नीस एक ख के अंतर्गत संवैधानिक है लोकतांत्रिक मांगों के लिए कोई व्यक्ति बैठ सकता है परंतु जैसे हिंसक होगा वह वह आंदोलन जैसे हिंसक होगा वैसे स्टेट हस्तक्षेप करेगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य उस उस धरने और प्रदर्शन को जैसे हिंसक होता है वह उस पर रेगुलेट कर सकता है नियंत्रित कर सकता है कानून के माध्यम से तो दो केस हो गया इसमें हमदर्द दवाखाना बंद का आयोजन सी पी आई एम भरत कुमार अब आते हैं ये तो हो गई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अब इस पर कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है आर्टिकल नाइनटीन वन नाइनटीन टू के अंतर्गत उन्नीस दो के अंतर्गत इस भाषण अभ्यक्त की स्वतंत्रता पर निर्बंधन कैसे आर्टिकल उन्नीस दो के अंतर्गत लगाए जा सकते हैं इसमें आपको देखिए मैंने जो ग्राउंड आर्टिकल उन्नीस दो में भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं उसको बताने का प्रयास किया है और यह आर्टिकल उन्नीस उपखंड दो ये राज्य को पावर देते हैं कि राज्य इन आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकता है पहला क्या है राज्य की सुरक्षा के आधार पर दूसरा है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता के आधार पर तीसरा है पब्लिक ऑर्डर लोक व्यवस्था के आधार पर चौथा है मॉरलिटी नैतिकता के आधार पर नेक्स्ट है कंटेम्प्ट कोर्ट न्यायालय की अवमानना के आधार पर और लास्ट अंतिम है मानहान के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कटिल किया जा सकता है छीना जा सकता है अब एक एक करके इसको देखेंगे राज्य आर्टिकल उन्नीस दो के अंतर्गत इन आधारों पर उन्नीस दो में उल्लिखित आधारों पर निर्बंधन कैसे लगाता है जैसा कि मैंने बताया लिखा हुआ राज्य की सुरक्षा के आधार पर भारत की प्रभुता और भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर अव्यक्त की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है अब हाल के कुछ वर्षों में भारतीय दंड संहिता की एक धारा है एक का मैं स्क्रीन पर इसको लिखूं 124 का जो सेडिसन की बात करती राजद्रोह उसमें राजद्रोह परिभाषित है और सेडिशन अब उसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों से सरकार के प्रति अवमानना घिड़ा पैदा होती है अथवा भारत में विद द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना बमनशा करने का प्रयत्न किया जाता है वह राजद्रोह का अपराध करता है यह आईपीसी की धारा एक सौ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है आप ये देखें कि बोलने की स्वतंत्रता भारत भारतीय देश जो देश की सर्वोच्च विधि संविधान है और देश की सर्वोच्च विधि संविधान की आर्टिकल उन्नीस से है। बोलने की स्वतंत्रता देता है लेकिन यदि हमारी बोलने की स्वतंत्रता यदि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक्षेश, उस सीमा तक पहुंच जाए कि देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करे तो स्वयं संविधान के आर्टिकल उन्नीस दो स्टेट को यह पावर देती है कि राज्य हस्तक्षेप करते हुए ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को गिरफ्तार कर सकता है कानूनी कार्रवाई कर सकता है और वह संविधान की आ, वह भारतीय दंड संहिता की धारा एक सौ के अंतर्गत राजद्रोह के अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है यह केवल और केवल ये प्रावधान इसलिए किए गए कि संवैधानिक अधिकारों को जहाँ पर हम नागरिक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर रहे हैं अभ्यक्त की स्वतंत्रता को नागरिकों के लिए हम विशेष अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कर रहे हैं प्रदान कर रहे हैं साथ ही साथ नागरिक अपनी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न कर सके यदि दुरुपयोग करता है ब्रीच ऑफ लॉ है कानून का भंग करता है तो उस स्वतंत्रता को हम इस भारत की प्रभुता के आधार पर राज्य की सुरक्षा के आधार पर हम उसे राजद्रोह के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं मैंने इसके पहले अपने लाफ क्राइम के लेक्चर में सिटीजन को कवर किया है आप मेरी वो स्लाइड देखेंगे तो उसमें लगेगा कि राजद्रोह का अपराध के लिए किन किन ग्राउंड्स को किन किन आधारों पर कार्रवाई की जा सकती हैं इसमें मैंने एक बताया था कि जे में एक घटना घटित हुई थी कुछ दिन पहले जिसमें कन्हैया कुमार के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दराया किया जो तत्कालीन जे के छात्र नेता थे उनको धारा आईपीसी की धारा एक सौ के अंतर्गत राजद्रोह के मुकदमे के लिए अभियोजित किया गया था और उस लोगों ने उन लोगों के विरुद्ध ऐसा साक्ष्य था पुलिस ने चार्जशीट जो न्यायालय में प्रस्तुत किया उसके आधार पर जो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने देश विरोधी राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इन ऐसे करके और वह अफजल गुरु की वर्षगांठ पर ये छात्रों का एक समूह वह धरना प्रदर्शन जे में जे में कर रहा था जिसमें कुछ छः सात शब्दावलियाँ बोली गई थी वे शब्दावली भारतीय सेना मुर्दाबाद इंडियन आर्मी मुर्दाबाद इस तरह के कुछ उसमें जो स्टेटमेंट थे ये अभ्यक्ति की स्वतंत्रता तो है बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन बोलने की स्वतंत्रता से यदि राज्य की सुरक्षा संकट में है भारत की प्रभुता और या न्यायालय की अवमानना है उसमें अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को जो फांसी की सजा दी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी जायज़ ठहराया गया कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं अभी अफजल हम शर्मिंदा ऐसे करके नारे लगाए गए तेरे कातिल जिंदा हैं इसका मतलब है कि जो जुडिशियल कन्विक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जुडिशियल कन्विक्शन जो है इट वॉज़ बैड इन आई आफ लॉ वो गलत था मतलब ये कहना था इस समूह का कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो मृत्युदंड दिया गया वो कहीं ना कहीं जुडिशियल किलिंग है ये इन लोगों का ऐसा आरोप था तो इसमें आर्टिकल उन्नीस दो में दिया है ऑफ कोर्ट के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है यदि व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों से या भाषण की स्वतंत्रता से अभ्यक्ति की स्वतंत्रता से न्यायालय क्यों मानना होती है तो इस समूह के द्वारा कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला था इन लोगों का था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो गलत है वो निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थितियों में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है बोले गए शब्दों के आधार पर अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो पब्लिक आर्डर में निर्णय ऐसे लिए जा सकते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आप देखे होंगे सीआरपीसी की धारा 144 है वो तो दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा 144 के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी स्थिति में जो असेंबली है वो अगर अनलाफुल हो जाती है पाँच या पाँच से अधिक सदस्यों से गठित जो समूह है यदि अनलाफुल हो जाता है उसका उद्देश्य यदि सरकार विरुद्ध कार्य करना हो जाता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है तो हमने इस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि अभ्यक्त की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता कैसे सम्मिलित है और उस प्रेस की स्वतंत्रता में जो केस है रोमेश थापर वैसे स्टेट ऑफ मद्रास की ब्रजभूषण बनाम दिल्ली प्रशासन की और हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ की जो केस है इसके पश्चात जो सी पी आई एम वसे भरत कुमार की केस है हुँ? और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज ए एफ डी आर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो केस है सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णय के माध्यम से हमने समझाने बताने का प्रयास किया कि ये निर्णय कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्नीस एक को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आयाम प्रदान किया है अब देखें कि मैं इस अगर यहाँ पे केस को और उद्धृत करूँ कि अभ्यक्ति की स्वतंत्रता जो भाषण अभ्यक्ति की स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता पर राज्य निर्बंधन कैसे लगाएगी स्टेट को ये पावर दिया गया है कि पब्लिक आर्डर के आधार पर वह निर्बंधन स्टेट लगा सकती है तो इसमें अभी मैंने केस बताया ही कन्हैया कुमार वर्सेज एन सी का केस उनको जमानत पर छोड़ा गया उसमें पिटिशनर याचिकाकर्ता को साथ ही साथ एक केस इसमें है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जिसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस है सेडिसन में भी धारा 124 सौ क के अंतर्गत जिसमें कि उस केदारनाथ को जो कि एक राजनीतिक दल का सदस्य थे केदारनाथ वशिष्टेट ऑफ बिहार या आई उन्नीस सुप्रीम कोर्ट वह बरौनी में एक सभा संबोधन कर सभा को संबोधित कर रहे थे और सभा संबोधित करने के दौरान उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए और वहाँ बैठे हुए सीआईडी के ऑफिसर पुलिस के ऑफिसर को उन्होंने कांग्रेसी गुंडे की संज्ञा दे दी कि ये कांग्रेसी गुंडे यहाँ इस सभा में सम्मेलन के आसपास पीछे बैठे हुए हैं जो सी और आ, पुलिस के रूप में काम कर रहे हैं इनको उखाड़ फेंकना है इनको यहाँ से जैसे हमने अंग्रेजों को फेंका वैसे इस सत्ता इस इस सरकार को हम फेंकेंगे इस प्रकार के स्टेटमेंट इस प्रकार के विचार उस आ, आ, समय केदारनाथ के द्वारा के जो है दिया गया उनके विरुद्ध भी आईपीसी की धारा एक सौ के अंतर्गत राजद्रोह की कार्रवाई की गई कि वे सरकार के विरुद्ध घृणा और अवमाना पैदा कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया परंतु सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उस राज दो उस दिए गए कथन उस अभ्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं पर कोई हिंसक वारदात नहीं हुई और उसकी वो या वह इस स्तर तक नहीं था कि जिससे वहाँ की भीड़ जो है उन्मादित हो गई हो या हिंसा पे उतारी हो गई हो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हम आठ किलो उन्नीस एक कौ के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है निर्बंधन है उन्नीस दो के अंतर्गत उन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए आगे की आ, वो करेंगे और पूरा प्रयास मैंने इसमें किया है केस बताने का और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको एक नया आयाम दिया है और इसके अतिरिक्त जो हड़ताल और बंद करने का अधिकार था पहले कि हड़ताल के माध्यम से भी स्ट्राइक के माध्यम से अभ्यक्ति की स्वतंत्रता की को का दावा किया जा सकता है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहराया दूसरी बात तिरंगे झंडे को लेकर के इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा और एक केस इसमें और बहुत इम्पोर्टेंट है वह है आप इसमें मैं स्क्रीन पर ही लिख दूँ उस केस का नाम है बिज़ो बिज़ो इमैनुअल इमैनुअल वर्सेज केरल राज्य का है ये केरल राज इसको केस के नाम से भी जानते हैं राष्ट्रगान तो ये भी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राय पूछा जाता है बीजो इमेनुअल बनाम केरल राज्य जिसमें कि याचिकाकर्ता बीजो इमैनुअल को एक प्रार्थना सभा में जब प्रेयर हो रही थी तो प्रार्थना सभा में यह राष्ट्रगान के समय खड़ा तो था राष्ट्रगान के समय सावधान मुद्रा में था परंतु यह राष्ट्रगान गाने में हिंदी में गाया जा रहा था राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान हिंदी में गाने की वजह से हिंदी में नहीं बोल पा रहा था इसलिए बिजो एमैनअल को याचिकाकर्ता को उस शैक्षणिक संस्थान से इस आधार पर निष्कासित कर दिया निकाल दिया गया एडमिशन कैंसिल कर दिया गया कि यह राष्ट्रगान के प्रति सम्मान नहीं कर रहा था उसका अपमान कर रहा था उसने अपने उस निष्कासन की वैध संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी यह कहते हुए कि चूँकि वह जिस समुदाय से आता है क्रिश्चियन है उस समुदाय से आता है उसको अंग्रेज उसको हिंदी नहीं आती और राष्ट्रगान चूंकि हिंदी में गाया जा रहा था इसलिए सम्मान के लिए तो राष्ट्रगान के समय वह खड़ा था परंतु हिंदी न जानने के कारण वह बोल पाने में असमर्थ था इसलिए मात्र सावधान मुद्रा में खड़ा था और वह बोलने में असमर्थ था इसलिए उसका निष्कासन असंवैधानिक माना जाना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है यदि वह बोलने में असमर्थ है तो इसने यह, यह बचाव उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा यह दलील प्ली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां पर ऐसी परिस्थितियां हों व्यक्ति अंग्रेजी जानता है हिंदी बिल्कुल नहीं जानता है तो उसका हिंदी में न बोल पाना और श्रद्धा भाव खड़ा है वहाँ पे तो ये माना जाएगा कि उसने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान किया राष्ट्रगान के प्रति उसका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था इसलिए राज्य सरकार के द्वारा संचालित वो जो संस्था थी उसके द्वारा निकाला जाना यह असंवैधानिक है और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कहा गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड राइट टू साइलेंस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत चुप रहने का भी स्वतंत्रता सम्मिलित है तो व्यक्ति यदि चुप रहता है तो वह भी फ्रीडम ऑफ वह भी अपने विचारों वह भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक पार्ट माना जाएगा और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जब उस व्यक्ति जो जिस समुदाय से आता है उसमें यदि वह अंग्रेजी जानता है हिंदी नहीं जानता है तो उसको बोलने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता विवश नहीं कर सकता है तो राष्ट्रगान के समय जो चुप है मात्र शांत है वह बोलने की स्वतंत्रता में अभ्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शांत रह, चुप रहने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है ये भी इस केस में कहा गया और इस पॉइंट इस दृष्टिकोण से ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने इसको स्लाइड पे दिखाने का प्रयास किया है यह भी आठ किलो उन्नीस से के अंतर्गत कि बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत चुप रहने की मौन रहने की साइलेंस रहने की भी स्वतंत्रता सम्मिलित है उस किसी को विवश नहीं किया जा सकता बोलने के लिए तो मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान से आप सभी ने सम प्रेस भाषण एवं अम्बेद की स्वतंत्रता से संबंधित सभी केस लॉज और सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण मैंने जो बचा हुआ था बिजो मैनुअल बनाम केरल राज्य के केस को बताने का प्रयास किया तो मैं समझता हूँ कि इसके पश्चात आप सभी लोग इस स्थिति में होंगे कि आर्टिकल नाइनटीन वन ए से संबंधित फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित सभी कानून और उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण प्रा, प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने बताने का प्रयास किया यदि इतनी बातें रिटर्न टेस्ट में लिखित परीक्षा में लिखी जाए तो भी बहुत लाभकर होगा और प्रारंभिक परीक्षा में तो जितने मैंने कंटेंट बताए हैं अभी तक का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आर्टिकल उन्नीस से इक्कास से लेकर के है वह सभी आपके परीक्षा उपयोग को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया था स्लाइड बनाया था और ये सारी बातें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद